किस किस को इंचलॉस चाहिए? इंचलॉस तो सबको ही चाहिए, अच्छे कपड़े सबको पहनने हैं, पतली कमर सबको चाहिए, लेकिन खाना पीना छोड़ना किसी को नहीं है। तो विदाउट एनी सेक्रीफाइस आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पा सकते। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस हर चीज़ों के अंदर करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ इट मीन्स आपको समटाइम्स आपको कुछ नहीं खाना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मेजर PCOD है, मेजर थायरॉयड है, तो आप लोग मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा सकते। तो थोड़े से टाइम आपको 1-2 ईयर या फिर जब तक आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, जब तक आप क्योर नहीं कर पाते ये डिसीज से, तब तक आपको ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डायबिटीज़ है, तो आपको स्वीट क्रेविंग्स जो होती है, या फिर आपको जैगरी है, या फिर शुगर है, ये सारी चीज़ें, मिठाई आपको नहीं खानी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप नहीं खा सकते। आपको खाना है, आप कभी कभी खा सकते हैं, बट आफ्टर मेंटेन योर डाइट। अगर आप डाइट बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं सारी चीज़ों को, तो उसके बाद आप कभी कभी खा ही सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी आप कोई चीज़ नहीं खा सकते। लेकिन समहाउ जब तक आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल से आप हेल्दी लाइफस्टाइल पर जा रहे हैं, तब तक आपको ये थोड़ी चीज़ों को से कट ऑफ करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज यू आर ऑन ट्रीटमेंट। फूड से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जो न्यूट्रिशन फ्रेश है, या फिर मैंने जो स्टडी किया है, वो मोस्टली आयुर्वेद बेस पर है, यानी कि वात पित्त और कफ के बेस पर है। हमारे जो गट है, हमारा इंटेस्टाइन है, वो इजीली काम करेगा तो ही हमारी जो पूरी हेल्थ है, हमारी बॉडी है, वो इजीली काम करती है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो ही सारा जो बॉडी का आपका वर्क है वो अच्छे से चलता है। क्योंकि जो बॉडी का मेजर पार्ट जो है वो हमारा इंटेस्टाइन है, यानी कि हम जो खाते हैं वो पचता है, यानी कि खाने के जो भी हमारे ऑर्गन्स है वो मेजरली हमारी बॉडी पर काम करते हैं, और हमारा जो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके आसपास ही ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज हम जो खाते हैं उसका उसे डाइजेशन करना होता है। तो अगर हमें हमारे रोगों को, डिसीज को रिवर्स करना है, या फिर हमें इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना है, एक अच्छी सी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो थोड़ी सी चीज़ें तो सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि पतली कमर किसको चाहिए, बैक टू शेप, यानी कि अगर आप 10 साल पहले कितने अच्छे दिखते थे, यानी कि अभी आप अगर फैटी हो गए हैं, किसी की तो आंत बाहर निकल आई है, या फिर कई लोगों को बहुत सारे डिसीज हो गए हैं जो 10 साल पहले नहीं थे, तो आप अपनी मैरिज वक्त टाइम की पिक्चर निकालिए, या फिर आप जब अच्छे थे, कॉलेज में थे, उस टाइम के पिक्चर्स निकालिए, उसको देखिए और मोटिवेट होइए, क्योंकि आपको वही फिर से बनना है। कई लोग ऐसे, मेरे जो क्लाइंट हैं, वो लोग पहले बिल्कुल बहुत ही अच्छे दिखते थे, और आफ्टर मैरिज या फिर किड्स या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ की वजह से बॉडी का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते थे, और उनका जो वेट गेन हो गया, बहुत सारे डिसीज हो गए, उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ख़राब हो गई, बहुत सारे ब्लेमिशेस हो गए, पिगमेंटेशन आ गया, और बॉडी का बिल्कुल से ध्यान नहीं रखा, नी पेन हो गया किसी को, किसी को बहुत सारे बाल उनके झड़ने लगे हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो दिखाती है आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत ही ख़राब है, या फिर आपने अपने बॉडी का बिल्कुल से ध्यान नहीं रखा। आप अपने फैमिली का ध्यान रखते हैं, अपनी जो फाइनेंस है उसका ध्यान रखते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो आपका बॉडी है जो सबसे मेजर करता है, उसका आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। बिकॉज यू नॉट लव योर बॉडी। जो जो लोग अपने बॉडी को प्यार करते हैं वो लोग उसका ध्यान रखते ही है, क्योंकि मैंने खुद रखा है। क्योंकि पहले मेरा जो बॉडी था, आप लोगों ने मेरे जो बहुत सारे वीडियो देखे हुए तो आपको पता है कि मैं कितनी मोटी थी पहले। मैंने मेरी पूरी स्टोरी शेयर की है, मैंने मेरे पिक्चर शेयर किए हैं, तो उस टाइम पे मैं बहुत ही फैट थी, मेरी हाइट शॉर्ट है, उस वजह से मैं ज़्यादा मोटी लगती थी। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे पतला होना है, क्योंकि पहले तो मैं पतली थी नहीं, मैं पहले से ही मोटी थी। जब से मेरा ग्रोइंग मैं एज पर आई हूँ आफ्टर 10th, तो मैं पहले से ही मोटी थी, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पतली हो सकती हूँ। लेकिन एक पीन हुआ, एक मुझे धक्का लगा कि नहीं, मैं पतली होना चाहती हूँ, मैं ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ, और उस टाइम मैंने ये मेरी जर्नी स्टार्ट की, एंड मैंने अचीव किया है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ ऑल्सो। तो आप लोगों को कि अपनी बॉडी को प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़कर आप अपनी बॉडी पर ध्यान दो, सब पर ध्यान दो, क्योंकि हम लोग भी ह्यूमन बींग है, हमें फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है, किड्स का ध्यान रखना पड़ता है, जॉब भी करनी पड़ती है, पार्टीज में भी जाना पड़ता है ना, ओकेशन को भी मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन बॉडी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कैसे?
तो सबसे पहले बॉडी को ध्यान रखिए कि अच्छा खाइए, अच्छा पिए, पूरा दिन अपनी कैलोरी को मेंटेन कीजिए, और जो मैं बताती जाती हूँ वो सारी चीज़ों को आप कैरी कीजिए। यानी कि आप कोई भी एक डाइट पकड़ सकते हैं, आप 15 डेज 1 मंथ पूरा डाइट कीजिए, आप बैक टू शेप आइए, उसको मेंटेन कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि बॉडी को वेट लॉस कैसे करते हैं या फिर उसको मेंटेन कैसे करते हैं, अगर आपने मेरे प्लान से 10 kg वेट लॉस किया उसके बाद आपको नहीं पता कि मेंटेन कैसे करना है, कॉल मी, मैसेज मी, आई विल गाइड यू कि आपको कैसे चाहिए चीज़ें करनी है। और जो लोग भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग आपकी वीडियो देखते हैं, कई लोगों ने इन अ वीक में कई लोगों ने 2 से 3 किलो भी वेट लॉस कर लिया है विद दिस डाइट प्लान। सो थैंक यू सो मच उन लोगों को कि जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें फॉलो करनी स्टार्ट कर दी है। तो आगे बढ़ते वीडियो के अंदर कि बैक टू शेप आने के लिए, पतली कमर के लिए, और विद इन अ वीक, यानी कि आपको पूरा मंथ जो है वो चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी टी लेकर आई हूँ जो आप 1 वीक भी कैरी करते हैं विद कोई भी सिंपल डाइट प्लान के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टी पीनी है, कोई भी हेल्दी लाइफस्टाइल तो कैरी करनी ही पड़ेगी, है ना। पानी बहुत सारा पीना है, अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स का ध्यान रखना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, जो मैं एवरी वीडियो के अंदर बोलती हूँ, क्योंकि यही रूट कोस है हमारे वेट लॉस का। क्योंकि अगर आप वेट लॉस करते हैं और उसके बाद फिर से वही लाइफ स्टाइल पर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें काम करेगी नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगी, और नाम खराब होगा मेरा क्योंकि मैंने अच्छे से डाइट नहीं दिया, क्यों नहीं, बिकॉज आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया। तो अगर आपको ये थोड़ी सी टिप्स पता है कि आपको क्या करनी है, तो ये कोई भी डाइट प्लान पकड़िए, और ये जो मैं मिरेकल टी आपको बता रही हूँ जो इंच लॉस के लिए है, क्योंकि इसके 2 वीडियो के पहले भी मैंने इंच लॉस की टी शेयर की है, और ये स्टार्ट भी कई लोगों ने की है विद पिक्चर, कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है कि मैम मैंने स्टार्ट किया है और 1 डे से उनका 500 ग्राम वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया है, इंच लॉस भी हुआ है, कॉन्स्टिपेशन भी गया है, तो ये काम तो करती ही है। अगर आप सही टाइम से अच्छे से मैंने जैसे बताया वैसे फॉलो करते तो ये 100% काम करती है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप ये फॉलो करते हैं ये टी को, तो मिनिमम आपका 1 वीक के अंदर आप एक साइज़ ड्रॉप करने ही वाले हैं, या तो आपकी जो कमर है वो 42 की है तो 38-40 की साइज़ ये हो जाएगी आपकी, ये गारंटी ही गारंटी है, या फिर आपके हिप्स, या फिर थाइस, आपके हैंड्स, कुछ भी आपका डाउन हो जाएगा, जो भी जो से साइज़ है आपकी ड्रेस है वो भी टाइट होती है, वो भी लूज हो जाएगी, तो वो भी आप पहन सकते हैं, तो है ना गुड न्यूज़। तो जल्दी से आप पूरा वीडियो देखना है, और मैं जो रेसिपी बताने वाली हूँ वो हम देखते हैं, तो चलते किचन में। तो मैंने अराउंड 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, और आपको इसको जस्ट बॉईल करने रख देना है, जैसे ही गर्म होता है। तो मैंने लिया है 1 स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड, और मैंने लिया है थोड़े से पिंच ऑफ सनफ्लावर सीड्स। तो सनफ्लावर सीड होते हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारे हार्मोन को बैलेंस करते हैं, और फ्लैक्स सीड जो है वो हमारी इंच लॉस में बहुत ही हेल्पफुल होता है, उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो अभी मैंने हमको बॉईल करने रख दिया है, ठीक है, ये हमारी इंच लॉस पर बहुत ही काम करेगा अमेजिंगली, इन अ 1 वीक आप 1 इंच का, 2 इंच का आप विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। तो बॉईल करने के बाद जस्ट सिंपल मैंने उसको स्ट्रेन किया है, स्ट्रेन करने के बाद आप उसके अंदर लेमन जूस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं तो सिंपल ही विदाउट सिंपल पीती हूँ, लेमन जूस ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन सम पीपल को मैं क्लाइंट्स को देती हूँ कि आप लेमन जूस ऐड कीजिए, जो लेमन जूस होता है उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी बैक्टीरियाज होते हैं, उसके अंदर विटामिन सी होता है जो हमारी इंच लॉस और वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो यस, तो रेडी है हमारी इंच लॉस टी, ये बहुत ही अच्छी है, उसका टेस्ट बहुत ही ब्लैंड होता है लेकिन काम बहुत ही अच्छा करती है। तो ट्राई फ्रॉम टुमोरो, एंड आप अपने फीडबैक्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे जो वीडियो है उसके नीचे आप मुझे कॉमेंट बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी, और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, और मेरी जो सारी जो रेसिपी है टी है, मैं जो भी रेसिपी बताती हूँ इन माय वीडियो, ये सारी चीज़ों वो भी हेल्दी है, घर के प्लांट या फिर सीड्स में से बनी सारी चीज़ें होती है, वो नेचुरली होती है, जो चीज़ें नेचुरल होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और जो चीज़ें जो पैकेट के अंदर बंद होती है वो बहुत कितने टाइम पहले बनाई है हमें बिल्कुल पता नहीं होता, तो जो फ्रेश है, जो नेचुरल है, उस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, ये कोई भी ले सकता है, कोई भी एज ग्रुप की व्यक्ति ले सकता है, और आपको कब लेनी है तो आप ले सकते हैं आपके ब्रेकफास्ट के साथ,
या फिर आप 10 के से 11 इन बिटवीन ले सकते हैं। आप इवनिंग टी के साथ भी ले सकते हैं इसको, आप सोने से पहले भी ले सकते हैं, यानी कि टाइम आप कोई भी ले सकते हैं, ये काम सब पे करेंगी। और आप 3 times इन अ डे भी ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से काम करने वाली है, क्योंकि मैंने खुद इसको ट्राई किया है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट ने ट्राई किया है और सब पर ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो जिनको भी वेट लॉस नहीं करना है लेकिन साइज ड्रॉप करना है, आपको लगता है बहुत ही परफेक्टली वेट आपका है लेकिन आपका जो पेट है थोड़ा सा बाहर है, आपकी टमी थोड़ी सी बाहर है, आपकी जो कमर है उसका एरिया भी बहुत ही ज़्यादा है, तो वो साइज अगर आपको ड्रॉप करनी है तो ये टी ट्राई कीजिए। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है और आपको कितनी अच्छी लगी ये टी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है। तो प्लीज़ ट्राई इट एंड आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और जिन्होंने भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप के अंदर, आप अपने फेसबुक के अंदर शेयर कीजिए मैक्स टू मैक्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सारी जानकारी जान पाए जिनको नहीं पता है। और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।